मैंने कविता बनाई है जो देश के अंदर नारे लगते हैं, जो नारे ट्रकों पर और आम दीवारों पर लिखे भी जाते हैं, उसके उनको नारों को देखकर मेरे मन में एक भाव आया कि ये नारे तो लिखे जाते हैं लेकिन इसका यथार्थ क्या है, धरती पर वो कितने सही उतरते हैं उसके बारे में मैंने कविता लिखी है। और हमारे जो संस्कार हैं, हम किस तरह संस्कारों से बंधे हुए हम देशवासी हैं और हमारे संस्कारों का क्या हर्ष हो रहा है, इसके ऊपर मैंने कविता लिखी है। इसमें यानी क्या कहा जाए, उसमें एक व्यंग भी है, बहुत से व्यंग हैं और एक सच्चाई है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल, नारों संस्कारों का यह देश हमारा है, नारों संस्कारों का यह देश हमारा है जो लगता बहुत ही प्यारा है। यहाँ सिर्फ नारों की प्रथा है, बाकी सब व्यथा ही व्यथा है। यहाँ सिर्फ नारों की प्रथा है, बाकी सब व्यथा ही व्यथा है। नारों की हकीकत सुनाता हूँ, सच्चाई से थोड़ा पर्दा उठाता हूँ। एक ट्रक के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई, एक ट्रक के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई, गड्ढे में गिरते 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 अपनी जान बचाई। ट्रक गड्ढे में गिर रहा था मगर ट्रक पर नारा लिखा था हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, देखकर मन झलाया, अंदर ही अंदर शर्म आया। अरे अरे अरे, यह क्या हो रहा है? देश का एक नेता हम दो हमारे दो के नारे लगा रहा है, छोटा परिवार सुखी परिवार की कस्में खा रहा है। जो उसके घर का दरवाज़ा खुलता है तो पोल पट्टी खुलता है, दर्जनों भर बच्चे बाहर आते हैं, नारों की हकीकत बदलाते हैं। वो नेता कौन है आप सब जानते हैं, बिहार के लालू जी। दर्जनों भर बच्चे बाहर आते हैं, नारों की हकीकत बदलाते हैं। लगता है अब हम नारों से आबादी घटाएंगे, अरे गिरकर गड्ढे में क्या प्रगति के पथ पर जाएंगे? फिर एक नारा लगता है, हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो गद्दी छोड़ दो, यह नारा हर ट्रेड यूनियन वाला लगवाता है, मगर गद्दी पर तो फेविकोल लगा है जो टूट जोड़ कहलाता है। मांगे नेता के आगे रखी जाती हैं, जो सिर्फ आश्वासन देना आता है, फिर इनकलाब जिंदाबाद के भी नारे लगते हैं, नारों से इनकलाब तो आता नहीं, मगर नारे लगाने वाला नेता सिर्फ जनता को भरमाता है, एक आइए, मिलावटखोर क्या क्या मिलाकर मिलावटी माल खिला रहे हैं, मगर सरकार और सरकारी चैनल जागो ग्राहक जागो, के सिर्फ नारे लगा रहे हैं। एक बड़ी मार्मिक दृश्य बताता हूँ, वह कौन है जो कोरे कागज पर मेरा देश महान लिखना रहा है, लिखता है, वही कागज का टुकड़ा कूड़े के ढेर से गिरा मिलता है, उसी कूड़े के ढेर से एक बालक रोटी के टुकड़े चुना, फिर भी मेरा देश महान कहलाता है, देश के सारे नेता जनता से सिर्फ नारे लगवाते हैं, स्वयं भ्रष्टाचार में कंठ डूबे जनता को ईमानदारी सफलता का सोपान है समझाते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत चरितार्थ कर जाते हैं। ये तो ही नारों की बात, अब संस्कारों की बात सुनाता हूँ। एक सच्ची वानगी बताता हूँ, सच्ची घटना भी मेरे साथ हुई, मैं वह बताता हूँ। एक बार हवाई जहाज़ से मैं थाईलैंड जा रहा था, थाई एयरवेज का टिकट कटवा रहा था, यह सोचकर कि विदेशी जहाज से जाऊंगा कम से कम एयर होस्टेस से हाथ को मिलाऊंगा, ऐसे विदेशियों के संस्कार होते हैं। जैसे ही वक्त आया, जैसे एयरपोर्ट पर आया, मंडराती नौ यौवनाओं को देख मन इतराया, मन में संकल्प किया जैसे ही जहाज के अंदर जाऊंगा एयर होस्टेस से हाथ मिलाऊंगा, हाई हेलो कर सीट पर बैठ जाऊंगा। जैसे ही वक्त आया सीढ़ियां चढ़ जहाज में प्रवेश पाया, दो नौ यौवनाएं हाथ जोड़ खड़ी थी, दोनों ने झुककर नमस्कार बुलाया, दोनों इतना झुकी लगा पैर छू रही हैं। जैसे ही मेरा हाथ उनके सर पर प्यार देने को उठता दोनों उठ खड़ी हुई, दोनों ने सिर्फ नमस्कार बुलाया। मैं घबराया, मेरे हाथ मिलाने की आशाओं पर, हाय हेलो की अभिलाषाओं पर उसने पानी फिरवाया। हाय हेलो कर हाथ क्या मिलाता, उसने तो सर पर भी हाथ नहीं फिरवाया, मेरा सपना टूटा, राम से सीट पर जा पटकाया। कुछ दिनों के बाद जब वापस की यात्रा करनी थी तब एयर इंडिया का टिकट मंगवाया, या सोचकर जब हाथ ही नहीं मिलाना है तो विदेशी जहाज से क्यों जाना है। एयर इंडिया में भी प्रवेश करते दो नौजवानों को देखा,
एयर इंडिया में भी प्रवेश करते दोनों युवाओं को देखा, थी तो देसी मगर वेशभूषा थी विदेशी, थी तो देसी मगर वेशभूषा थी विदेशी। मन में कहीं उमंग नहीं थी, हृदय में कहीं तरंग नहीं थी, क्योंकि जानता था संस्कारों का यह देश हमारा है। हाथ जोड़ नमस्कार इसका नारा है, हाथ जोड़ नमस्कार इसका नारा है। जैसे ही मेरी प्रवेश की बारी आई, जैसे ही मैंने जहाज में प्रवेश पाई, तब नैनों से नैन लड़ पाई। जैसे ही नैन लड़ी, हेलो करवा रही खड़ी की खड़ी, हेलो करवा रही खड़ी की खड़ी, हेलो उसने फिर बुलाया, मैं घबराया मैं शर्माया। हेलो उसने फिर बुलाया मैं घबराया, जब 60 साल के बूढ़े को हाय हेलो कर रही है, तब किसी नौजवान को क्या कहेगी, यही सोच में रहा खड़ा का खड़ा, क्योंकि एक नौजवान था मेरे पीछे पंक्ति बंद खड़ा। जैसे उस नौजवान की भी बारी आई, उसे भी देख हुआ मुस्कुराई, हाय हेलो उसने उसको भी बुलाई, मगर जाते जाते एक लंबा फ्लाइंग किश भी लगाई। मैं हैरान था, परेशान था, यह सोच सोच परेशान था कि हमारा देश संस्कारों का है, यह सोच सोच परेशान था। तब मुझे लगा कि अब हम विदेशी संस्करण हो गए, इंग्लिश एडिशन, तब मुझे लगा कि अब हम विदेशी संस्करण हो गए हैं, हमारे जो संस्कार थे वो विदेशी हो गए हैं, संस्कारों का यह देश हमारा है, अब लगता महज एक नारा है। ऐसे ही नारों और संस्कारों के बाद दुनिया हमें और क्या क्या सिखलाएगी, कविता की अंतिम पंक्तियों में आइए। ऐसे ही नारों और संस्कारों के बाद दुनिया हमें और क्या क्या सिखलाएगी, हमारे पूर्वज दुनिया को समझाते थे, जगत गुरु कहलाते थे, विवेकानंद जी हमारे दुनिया को शून्य का मत बताते थे, आज हम स्वयं संस्कारों से शून्य हो गए हैं, तभी तो भ्रष्टाचार की सुनामी में गुम हो गए हैं, तभी तो भ्रष्टाचार की सुनामी में गुम हो गए हैं। भगवान कृष्ण नानक की, भगवान राम कृष्ण नानक की धरती यह कहलाती है, अब तो उन्हें भी पुनः इस धरती पर आने में शर्म आती है, अब तो महज मत क्रांति से ही वोटिंग राइट्स, अब तो महज मत क्रांति से ही भूकंप और जलजले आ पाएंगे, जाग गई अगर जनता उसके परमाणु प्लांट से ऐसा विस्फोट आएगा, तब जाके सारा भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो जाएगा, तहस नहस हो गया जो 1914 में चुप हो गया।